कॉमर्स गुरुजी पर, और जो हमारा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीके कोयल सॉल्यूशन, इसके हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 तक कवर कर लिया था लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से। आज की वीडियो हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 37 पर। जिन बच्चों की बुक पुरानी है या जिन बच्चों के क्वेश्चन थोड़े मिसमैच है, वो व्हाट्सअप करके मुझसे क्वेश्चन टैली कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 37 से। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ेंगे, तीन पार्टनर है, पी क्यू आर, और रेशियो दे रखा है आपको 1:3:2। आपको बैलेंस शीट दे रखी है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है और रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है। तो मैं इस क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाता हूं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में भी हमें जनरल एंट्रीज पास करनी, तो वो वहां से टैली हो जाएगी। तो देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड 1,00,000। जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 1,00,000 होगा, और हमने रिजर्व कितना बनाया है सर, 60,000 का, यानी कि 40,000 का और बनाना पड़ेगा। ये हमारे लिए फायदा है या नुकसान है, ये नुकसान है, और जो भी नुकसान होता है वो रिवेल्युएशन के कहां जाता है, डेबिट साइड यानी कि टू साइड जाता है। तो टू प्रोविजन 40,000। उसके बाद सेकंड देखो, एक मोटरसाइकिल की वैल्यू जिसकी 30,000 थी, वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं करी और अब रिकॉर्ड करी जाएगी। तो मतलब क्या, ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। आपने टोकरी में हाथ डाला और आपको ये 30,000 की मोटरसाइकिल मिल गई, अब आप ये बेच सकते हो या आपके काम ही आएगी। ये आपका फायदा या नुकसान, सर फायदा है। फायदा है, कहां जाएगा रिवैल्यूएशन में, सीआर साइड में जाएगा, यानी कि बाय साइड में जाएगा, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स या मोटरसाइकिल 30,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे वो अब पेड नहीं करने, अब पेड नहीं करने, तो ये फायदा है नुकसान है, फायदा है सर 15,000। फायदा कहां जाता है, रिवेल्यूशन के सीआर साइड यानी बाय साइड, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000। उसके बाद वैल्यू है जो स्टॉक की, वो इंक्रीज हो गई 2,90,000 तक, पहले थी 2,20,000, कितने से बढ़ गई सर, 70,000 से ये बढ़ गई। फायदा हुआ, कहां जाएगा, सीआर में, बाय स्टॉक 70,000। ओके, 5% प्रोविजन बनाने डाउटफुल डेब्ट सैंडी डेटर्स में से, डेटर्स है हमारे 3,20,000, और 3,20,000 का 5% निकालोगे तो 16,000 आएगा, ये हमारा टू साइड जाएगा। गुडविल की वैल्यू से मतलब नहीं है अभी, और जो वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन असाइन किया है फर्म ऑडिटर को, और उसके लिए 20,000 रुपए में देने हैं, ये भी हमारा खर्चा है ना, कहां जाएगा, टू में जाएगा 20,000 रुपए इस तरीके से। तो टू में क्या क्या आएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैनशिप क्लेम 40,000, 16,000 का प्रोविजन डेटर्स का, और वर्क असाइनमेंट का 20,000, अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000, और स्टॉक 70,000। तो जब आप यहां का टोटल करोगे तो ये टोटल आएगा 1,15,000, और यहां का टोटल करोगे तो गेन आएगा हमारा 39,000। 39,000 का 1:2:3 में बांट दोगे, 1:3:2, तो ये आएगा 6,500 पी का, 19,500 क्यू का, और आर का 13,000। टोटल गेन कितना आया, 39,000। आंसर चेक करेंगे, 39,000, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 मेरे बच्चे। तीन पार्टनर हैं, ए बी सी, और रेशियो दे रखा है 2:2:1। फॉलोइंग बैलेंस अपीरियड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, यानी कि ये फायदा है, और जब फायदा दे रखा है तो कैसे बढ़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, 20,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, तो इस तरीके से एंट्री होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, 20,000 को 2:2:1 में बांटा, तो 8,000, 8,000 और 4,000। आगे बढ़े, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये खर्चा है हमारे लिए, डीआर बैलेंस दे रखा है, इसकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डीआर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 15,000 को 2:2:1 में बांटेंगे, तो ये तो एंट्री होगी 6,000, 6,000, 3,000 और यहां 15,000। उसके बाद देखो, रिजर्व बनाया है 60,000 का और क्लेम आया है 50,000 का, यानी कि अभी भी 10,000 बच गए। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 और टू सारे पार्टनर्स ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, तो ये 10,000 रुपए तीनों पार्टनर में इस रेशियो में बढ़ जाएंगे, ऐसे एंट्री होगी। डब्ल्यू सी आर अकाउंट डी आर टू प्रोविजन टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, 50,000, यहां 10,000 बचा, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बट गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अब देखो यहां से देखो, इसको हम बाद में समझते हैं, ठीक है, यहां देखेंगे।
फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 थी और अब 30,000 हो गई, कितनी घट गई, 20,000 हो गई। नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां जाएगा, डीआर साइड टू साइड जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, आपको एंट्री समझनी है। अगर कोई भी नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर और नीचे उस नुकसान का नाम, कोई फायदा है सीआर में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट नीचे और ऊपर उसका नाम। तो यहां पर नुकसान हो रहा है 20,000 का, एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, 20,000 रुपए, इस तरीके से एंट्री होगी। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। कंप्यूटर की बुक वैल्यू 40,000 थी और 10,000 से बुक वैल्यू कम हो गई, ये भी नुकसान हुआ। एंट्री क्या होगी बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू कंप्यूटर अकाउंट 10,000, इसका हम कर चुके। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 थी, अब कितनी हो गई, 25,000 की हो गई। कोई दिक्कत? 5,000 की कमी आ गई, तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। अब देखो तीनों ही चीज डीआर में गई है, यानी कि तीनों को जोड़ के लॉस आएगा 22,000 में, 20,000 का ये, 10,000 का ये और 5,000 का ये, कितना हो गया, 35,000। तो 35,000 का लॉस कैसे बांटेंगे, इसकी एंट्री इस तरीके से होगी, एस कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर, सी कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ 2-2-1 में, तो 14,000 ए, 14,000 बी और 7,000 सी, टोटल 35,000। अब जो मैंने यहां पे ये जो ये वाली एंट्री रोकी थी, इसकी बात करूंगा मैं। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें निकालनी है गुडविल, गुडविल शुड बी वैल्यू एट टू ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले से आपको गुडविल निकालनी है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा यहां से, 6,00,000 का 10% 60,000 क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 75,000 में से 60,000 माइनस करोगे तो 15,000 का आएगा सुपर प्रॉफिट। टू ईयर परचेज निकालना है तो गुडविल कितनी आ गई, 30,000 की। अब इस गुडविल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, ओल्ड रेशियो था 2:2:1, न्यू रेशियो कह रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी न्यू रेशियो क्या है, 1:1:1। हमने ए का निकाला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 1/15, माइनस में नहीं आया तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, सीआर होगा। बी का भी निकाला, बी का भी 1/15, माइनस में नहीं आया, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। सी का निकाला, माइनस में आया 2/15, यानी कि गेन कर रहा है। एंट्री क्या होगी, सी कैपिटल अकाउंट डीआर टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अमाउंट कितना है गुडविल का, 30,000, 30,000 इंटू 2/15 4,000 सी में, 30,000 इंटू 1/15 2,000 और 2,000। आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल सही है सर, क्लियर है ना, हाँ मेरे बच्ची। क्वेश्चन नंबर 39 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 को देखो, तीन पार्टनर हैं, अमन बॉबी चंदानी। अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में आया सीबीएसई में। अमन बॉबी चंदानी तीन पार्टनर है, रेशियो 5:4:1। 1 अप्रैल 2018 को डिसाइड किया फ्यूचर इक्वली, यानी ओल्ड भी है और न्यू भी है। रिवैल्यूएशन में लॉस दे रखा है, लॉस कितना है, 5,000 का। तो सबसे पहले लॉस को बांटते, लॉस बांटने की एंट्री क्या होगी, अमन कैपिटल अकाउंट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डीआर, चंदानी कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। 5,000 का 5:4:1 करेंगे तो ये आएगा 5,000 × 5/10, 2,500 आएगा अमन का, 2,000 आएगा बॉबी का, 500 आएगा चंदानी। ये तो लॉस बांट दिया सर। आगे बढ़े, फर्म की गुडविल दे रखी है 1,20,000 और जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000 का। तो जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो बटेगा, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है बेटा, यहां कहा जा रहा है कि हमें एडजस्टमेंट करना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो कितना दे रखा था, 5:4:1, और न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है इक्वली है, यानी कि 1:1:1। तो मैं अमन का निकालूंगा, ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस न्यू रेशियो 1/3, तो ये मैं 30 मान लेता हूँ, 15 10 10, तो ये आएगा 5/30, सेक्रीफाइस करेगा। उसके बाद बॉबी का निकालूंगा, 4/10 माइनस 1/3 30 12 माइनस 10 10, ये कितना आएगा, 2/30। चंदानी का निकालता हूं, 1/10 माइनस 1/3, तो ये 10 30 3 1 3
और 10 बनजा 10, ये 7/30 माइनस के, और माइनस में आंसर आएगा, तो यानी कि ये क्या है, ये गेन है। एंट्री क्या होगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डी आर टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, एंट्री तो ये होगी, यानी चंदानी अकाउंट डी आर टू ए टू। अब इसमें देखो अमाउंट कैसे जाएगा बेटा, 1,20,000 वो है, और एक सेकेंड, 1,00,000 ये आया 2/30, 1,20,000 गुडविल की वैल्यू है, और 20,000 किसकी वैल्यू है, रिजर्व की वैल्यू है। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री पास करेंगे चंदानीस कैपिटल अकाउंट डी आर टू अमंस कैपिटल अकाउंट और टू बॉबी कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं हम इसकी बांटने की बारी। देखो सबसे पहले चंदानी का आया है 7/30, तो 7/30 जब करूंगा तो इनका आएगा 1,20,000 इंटू 7/30, तो गुडविल की वैल्यू कितनी है, 1,20,000, 1,20,000 इंटू 7/30 करूंगा तो 28,000 आएगा। ऐसे इन दोनों के शेयर से निकालोगे तो ये 20,000 और 8,000 आएगा, आंसर देख सकते हो बिल्कुल सही है। बचा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को आपको ओल्ड रेशियो में बांट देना 20,000 को 5/4/1 में। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 37 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 38 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 39 कर लिया। जो बच्चे मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप पर आना चाहते हो, व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो, तो ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का 9690105047। मेरे बच्चे ग्रुप में ऐड होना तो, पर्सनल ऐड होना तो, प्लीज वीडियो पे कमेंट कर देना यार, लाइक करना ना भूलना, और शेयर तो आप करते ही होंगे ऑफकोर्स, और कर देना है ना।